कि बेटा एक ही कुल को तारता है पर बेटी दोनों कुल को तारती हैं, ये वो प्रमाण है बेटियों का, कि बेटियां हमेशा एक कुल की जिम्मेदारी लेकर नहीं सदा दोनों कुलों की। यदि अपने सास ससुर के लिए भी उनके मोक्ष के लिए भी करना है तो बेटी करती हैं, और अपने माँ बाप के कल्याण के लिए भी करना हो तो बेटियाँ करती हैं। गया जी में इसलिए पता है आपको, गया जी में बेटी भी अपने पिता के नाम का श्राद्ध कर सकती है, पिंडदान कर सकती है, केवल गया जी में बेटी भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। यदि भाई नहीं है या हैं भी तो नहीं करना चाहते तो इस हाल में बेटियां जाकर के गया में श्राद्ध कर सकती हैं। बेटियां भी अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रयास कर सकती हैं, और ससुराल पक्ष में यदि पति नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल बहू बची है, तो इस हाल में वो बहू भी कर सकती है। ठीक है, दशरथ जी को पिंडदान माता सीता ने दिया था, आपको पता है, मतलब ससुर को बहू भी पिंडदान कर सकती है, गया, सिर्फ गया जी। राम जी उस समय किसी कार्य से बाहर चले गए तब माता सीता के हाथ से पिंड लेकर के दशरथ जी गए थे गया जी में। ये चर्चाएं पुराणों की हैं, लिखी हुई हैं। फिर राम जी ने कहा कि चलो पिताजी का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। सीता जी ने कहा वो तो हो गया, पिताजी आए थे, हमने बालू का पिंड बना के दे दिया। राम जी बोले आप असत्य कह रही हैं। तो वहाँ गाय चर रही थी तो सीता जी ने गाय से कहा क्यों, आपने तो देखा है पिताजी आए थे हमारे ससुर जी, आपने तो देखा है। तो गाय को लगा कहीं हम बोल देंगे तो कहीं राम जी हमसे बिगड़ ना जाएं, गुस्सा ना हो जाएं। तो गैया ने, गौ माता ने झूठ कह दिया कि मैंने तो देखा नहीं, मैं तो चर रही थी। तो माता सीता ने श्राप दे दिया गौ माता को, जाओ जिस मुँह से तुमने झूठ कहा है उसी मुख से आज से तुम मल भक्षण करोगी, मलमूत्र खाओगी। इसलिए गाय आज भी मलमूत्र खा लेती हैं, गंदगी खा लेती हैं, क्योंकि श्राप है। तो क्योंकि असत्य कहा। वहां पर नदी थी जिस नदी पे हम लोग श्राद्ध करते हैं, उस नदी से कहा आप तो प्रत्यक्ष हो, आप तो गवाही दो कि हमने पिंडदान दिया, आप तो यहाँ ही हो, आप तो नदी हो। नदी ने भी कह दिया कि हम नहीं देखे, वो भी सोची राम जी कहीं नाराज ना हो जाएं, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमने नहीं देखा। सीता जी ने उनको भी श्राप दे दिया कि तुम नदी हो कि श्राप झूठ बोलती हो, जाओ तुम, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, तुम विलुप्त तो हो जाओ यहां, तुम दिखोगे नहीं किसी को। इसलिए गया जी में जो नदी है वो नदी नदी के ऊपर नहीं है बल्कि नदी नदी के नीचे है। वहां पर जब गया श्राद्ध पिंडदान करते हैं ना तो गड्ढा खोदते हैं तब पानी निकलता है, तब उसमें पिंडदान करते हैं, वो नदी बहती नहीं है, बालू के नीचे है, है ना। तीसरा, कौन गवाही दे, तो हरी हरी दूरवा, दूरवा मीन्स घास। उस दूरवा से पूछा तुम भी तो यहीं हो, तुम बताओ तुमने देखा कि नहीं। दूरवा ने कहा हाँ जी हमने देखा है कि इन्होंने श्राद्ध पिंडदान किया है, दशरथ जी ने इनसे ग्रहण किया है। तब सीता माँ ने वरदान दिया घास को, जाओ दूरवा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम पहाड़ और पर्वतों में भी रहो, तुम्हें पानी बिल्कुल भी ना मिले तो भी तुम सदा हरी भरी रहोगी, ये मेरा आशीर्वाद। इसलिए वो दूरवा आपने देखी होगी छोटी जो गणेश जी को चढ़ती है, वो बिना पानी के भी कहीं भी हरी हरी होती है, सारी वनस्पतियां सारी घास सूख जाएगी पर दूरवा नहीं सूखेगी। और दूरवा का एक गुण और है कि दूरवा सूख जाए और सूखी दूरवा को भी जरा सही नमी मिल जाए तो फिर हरी हो जाती है, ये वरदान है। तब से कहावत है तुलसी विरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरे आए। अर्थात कई बार बहुत ध्यान रखने पर भी घर की तुलसी सूख जाती है,
और वो जो पहाड़ पर तुलसी होती है, घास होती है, उसे कोई पानी नहीं देता, फिर भी वो चकाचक रहती है। अर्थात अर्थ यही निकला कि जो भगवान के भरोसे है वो पहाड़ पर भी क्यों ना हो, जो भगवान के आश्रित है वो सुखी है कहीं भी हो। इसलिए भरोसा भगवान का होना चाहिए।